नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल अम्फान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया हुआ है, उसी से संबंधित है। तो इसके लगभग सभी पक्षों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि आखिर किसी चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, और जो अम्फान है इसका नाम किसने रखा। दरअसल क्या होता है, तूफानों का जो चक्रवात होते हैं इनका नाम रखने की जिम्मेदारी मौसम विभाग की होती है। जहां से तूफान होता है, जहां से ये तूफान स्टार्ट होता है, उन्हें दुनिया में आपके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। इसमें भारत का आपका जो मौसम विभाग IMD है, इसे भी शामिल किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत आपका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाती है, देख लीजिए मैप में, ये आपकी जैसे ये आपका भारत है। इसमें यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, लक्षद्वीप सागर और अरब सागर हो गए, ठीक है। नामकरण की बात करें तो अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों के नामकरण की शुरुआत 1953 में एक संधि हुई थी, उसके तहत की गई थी। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों ने भारत की पहल पर इस तूफान के नामकरण की व्यवस्था 2004 में शुरू की। इन 8 देशों में आपके शामिल थे बांग्लादेश, कहाँ है बांग्लादेश, ये है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत, ये आपका भारत हो गया। उसके बाद मालदीव, कहाँ है मालदीव, यहाँ है आपका मालदीव। लक्षद्वीप, अरब सागर के पास है मालदीव, ठीक है। मालदीव के बाद बात करें तो उसके बाद आपका म्यांमार, ये आपका म्यांमार है जिसे पहले बर्मा बोला जाता था। उसके बाद ओमान, ओमान के बाद आपका ओमान, ओमान के बाद है आपका पाकिस्तान, ऊपर आपका पाकिस्तान हो जाता है, ये आपका पाकिस्तान है, ओमान यहाँ है आपका, देख लीजिए, ठीक है, अरब सागर से लगा हुआ है। उसके बाद आपका थाईलैंड और श्रीलंका, थाईलैंड आपका ये है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका आपका, श्रीलंका ये है, और थाईलैंड आपका ये है आपका थाईलैंड, ठीक है। शामिल किए गए थे 2004 में। साल 2018 में आपकी ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को भी इसमें जोड़ा गया। जो अभी आपका अम्फान चक्रवात आया हुआ है तूफान, इसका नाम थाईलैंड ने दिया, किसने, थाईलैंड ने, ये आपका थाईलैंड, देख लीजिए। और यह 2004 में सुझाए गए 64 तूफानों के नाम की मूल सूची में आखिरी नाम है। मौसम विभाग ने तूफान के लिए 169 नाम पिछले महीने फाइनल किए थे। इसमें सभी 13 देशों से 13 नाम शामिल किए गए। आने वाले वक्त में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों को दिए जाएंगे ये जो अभी नाम सेलेक्ट किए गए। तूफानों के नाम रखने का मुख्य वजह यही है कि लेकर आम लोग और वैज्ञानिक स्पष्ट कर सकें। काफी चर्चा में रहे तूफान, जैसे हेलेन का नाम आपके बांग्लादेश ने दिया था, नानुक का जो तूफान था इसका नाम म्यांमार ने दिया था, हुदहुद का ओमान ने नाम दिया था, नीलोफर और वर्दा का पाकिस्तान ने, मिकुन मिकुन मेकोनू का मालदीव ने, और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चले तूफान तितली का नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था, जो आपका तितली तूफान आया हुआ था। चलिए बात करते हैं हम लोग अम्फान के बारे में। भारत के मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी
अम्फान में तूफान प्रणाली 18 अप्रैल को एक सुपर चक्रवात के रूप में विकसित हुई और 20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट के साथ टकराव होने की आशंका है। कहाँ है आपका? ये है आपका बांग्लादेश और ये है आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक है, याद रखिए, ये आपका बांग्लादेश लगा हुआ है। बात करते हैं इसके चक्रवात एक अनियमित वायु गति है जिसमें एक निम्न दाब केंद्र के आसपास बंद वायु परिसंचरण शामिल होते हैं। यह बंद वायु परिसंचरण पृथ्वी की सतह के ऊपर और ऊपर वायुमंडलीय असंतुलन के कारण होता है जो पृथ्वी के रोटेशन के साथ मिलकर होता है, जो इन असंतुलनों को एक भयावह गति प्रदान करता है। चक्रवात विनाशकारी और हिंसक गड़बड़ियों से जुड़े होते हैं, जैसे कि आपका इसमें मूसलाधार वर्षा होती है और तेज हवाएं चलती हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति और विकास के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक ऊष्मीय उद्गम होता है और वे कुछ निश्चित मौसमों के दौरान उष्णकटिबंधीय समुद्रों में विकसित होते हैं। इन स्थानों पर स्थानीय संवहन धाराएं पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण एक भयावह गति प्राप्त कर लेती हैं। विकसित होने के कारण बाद ये चक्रवात तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे व्यापार भवन बेल्ट में कमजोर स्थान नहीं पाते। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियों की बारे बात करें स्थितियों की, तो इसके लिए शांत वायु, उच्च तापमान और अत्यधिक संतृप्त वायुमंडलीय स्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियां विषुवतीय प्रलय पर मौजूद हैं, विशेषकर महासागरों के पश्चिमी हसीय पर, जिनमें नमी की क्षमता बहुत अधिक है क्योंकि व्यापारिक हवाएं लगातार संतृप्त वायु का स्थान लेती हैं। इसके अतिरिक्त भंवर गति को बढ़ाया जाता है। जब भूमध्य रेखा से सबसे दूर होती है, यह शरद ऋतु बेसव यानी कि अगस्त से सितंबर के दौरान होता है। इस समय वहां दो लाभ हैं, गर्म वायु टाटा सूर का भूमध्य सागर के ठीक ऊपर होना और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास के लिए ऊर्जा का स्रोत संक्षेपण की अभिव्यक्त ऊष्मा। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन सी होती। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए विभिन्न परिस्थितियां अनुकूल हैं, ये नीचे वर्णित हैं। अव्यक्त ऊष्मा का स्रोत, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का 26 डिग्री सेल्सियस या फिर अधिक तापमान वाले गर्म पानी पर बनते हैं। पर्याप्त वाष्पीकरण से समुद्र की सतह से के ऊपर नमी का संचय होता है। यह बदले में तूफान के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक अव्यक्त ऊष्मा प्रदान करता है और बाद में बादल और बारिश के गठन की प्रक्रिया में जारी किया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं, जहां तापमान पूर्वी भागों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भागों की सतह के साथ तापमान को कम करती हैं, जिससे वे ऐसे तूफानों के जनन के लिए आयोग हो जाते हैं। गर्म पानी की गहराई यानी कि 26 से 27 सेल्सियस को समुद्र की सतह से 60 से 70 मीटर तक विस्तार करना चाहिए ताकि समुद्र जल के भीतर गहरी संवहन धाराएं गर्म ना हो और नीचे ठंडे जल को गर्म जल के साथ मिलाएं। बात करते हैं कोरियोलिस बल। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य है, लेकिन यह अक्षांश के साथ बढ़ता है। परिमाण 10.5 इति सेकंड से अधिक का कोरियोलिस बल 5 डिग्री अक्षांश से ऊपर होता है। यह परिणाम परिमाण एक चक्रवर्ती भंवर के विकास में मदद करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इसलिए हम पाते हैं कि लगभग 65% चक्रवाती गतिविधि
10 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच होते हैं। निसंदेह अक्षांश के साथ कोरियोलिस बल बढ़ रहा है, लेकिन उच्च अक्षांश पर चक्रवात गठन के लिए आवश्यक अन्य कारक मौजूद नहीं है। निम्न स्तर की गड़बड़ी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ में पूर्व तरंग गड़बड़ी के रूप में निम्न स्तर की गड़बड़ी को पहले से देखना चाहिए। पानी और हवा के तापमान में छोटे स्थानीय अंतर, छोटे आकार के विभिन्न निम्न दबाव केंद्रों का उत्पादन करते हैं। इन क्षेत्रों के आसपास एक कमजोर चक्रवाती परिसंचरण विकसित होता है, फिर गर्म नम हवा और वायु स्तंभ की अभिव्यक्त अस्थिरता के कारण एक सच्चा तूफान भंवर बहुत तेजी से विकसित हो सकता है। हालांकि यह बताया जा सकता है कि इनमें से कुछ ही गड़बड़ी तूफान में विकसित होती है। दोनों गोलार्धों से व्यापारिक हवाएं एक रेखा के साथ मिलती हैं, जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय सामने कहा जाता है। अंतर उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ITCZ भूमध्य रेखा से सबसे दूर होने पर इन वायु द्रव्यमानों के बीच तापमान का अंतर मौजूद होना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न तापमानों की इन हवाओं का अभिसरण और परिणामी अस्थिरता हिंसक उष्णकटिबंधीय तूफानों की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए आवश्यक शर्त है। फिर आपका ऊपरी वायु गड़बड़ी वेस्टरलीज से ऊपर ट्रोपोस्फेरिक चक्रवात के अवशेष उष्णकटिबंधीय अक्षांश क्षेत्रों में गए चले जाते हैं, जैसा कि विचलन पुराने परिप्रेक्ष्य गतों के पूर्वी तरफ प्रबल होता है। एक बढ़ती हुई गति होती है, यह गड़गड़ाहट के विकास की ओर जाता है। इसके अलावा इन पुराने छोड़े गए गर्तों में आमतौर पर ठंडे कोर होते हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि पर्यावरणीय चूक दर इन गर्तों के नीचे स्थिर और अस्थिर है। इस तरह अस्थिरता वज्रपात को प्रोत्साहित करती है। फिर आपका विंड शियर जो मंडल की ऊपरी और निचली परतों के बीच ऊर्ध्वाधर पतन पवन कतरनी न्यूनतम स्तर पर रहना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब विकसित होते हैं जब हवा एक समान होती है। कमजोर ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी के कारण तूफान गठन प्रक्रियाएं उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के अक्षांश भूमध्य रेखा वार्ड तक सीमित है। ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस वायुमंडल की ऊपरी परतों में एक अच्छी तरह से विकसित विचलन आवश्यक है, ताकि चक्रवात के भीतर बढ़ती हवा की धाराएं बाहर पंप होती रहें और केंद्र में कम दबाव बना रहे। अगर विशेषताओं की बात करें हम लोग तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। आकार और आकृति उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में खड़ी दबाव प्रणेताओं के साथ सममित अंडाकार आकार यानी कि 2:3 लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। उनके पास एक कॉम्पैक्ट आकार है। केंद्र के पास 80 किलोमीटर जो 300 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक विकसित हो सकता है। पवन वेग और शक्ति एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा का वेग केंद्र की तुलना में ध्रुवीय मार्जिन में अधिक होता है और महासागरों की तुलना में महासागरों में अधिक होता है जो भौतिक बाधाओं से बिखरे होते हैं। हवा का वेग नील से लेकर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। फिर आपका अभिविन्यास और चलन ये चक्रवात पश्चिम की ओर गति के साथ शुरू होते हैं, लेकिन उत्तर की ओर लगभग 20 डिग्री अक्षांश की ओर मोड़ते हैं। वे उत्तर पूर्व की ओर 25 डिग्री अक्षांश के आसपास और फिर 80 डिग्री अक्षांश के आसपास पूर्व की ओर मुड़ सकते हैं। वे फिर ऊर्जा खो देते हैं और कम हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक परवलिक पथ का अनुसरण करते हैं। उनकी धुरी समद्विबाहु के समानांतर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना की बात करें तो आग चक्रवात के केंद्र में स्थित है।
इस कोर का व्यास 10 से 50 किलोमीटर तक भिन्न होता है। हवा की गति न्यूनतम होती है और आकाश इस क्षेत्र में आमतौर पर स्पष्ट रहता है। अवरोही वायु धाराओं के कारण तापमान अधिक होता है जो संपीड़न द्वारा गर्म होता है। आँख की दीवार आँख के चारों ओर क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों से बना है और यह अधिकतम वेग की हवाओं की विशेषता है। क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों की सतत रेंग लंबवत चलती है, इसलिए आँख की दीवार क्षेत्र सबसे भारी वर्षा का गवाह है। दो सर्फिल बैंड आँख की दीवार के बाहर स्थित हैं, कुछ किलोमीटर चौड़े। इन्हें रैंड बैंड या फिरडर बैंड भी कहा जाता है। वे 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की गति से घूमते हैं। ये क्षेत्र उच्च हवाओं और वर्षा द्वारा चिन्हित है। कुंडलाकार क्षेत्र को दबा हुआ बादल काफी उच्च तापमान और कम आर्द्रता की स्थिति की विशेषता है। बाहरी संयोजी बैंड के किनारे पर पाए गए क्लाउड मास बाहरी गहरे कंजर्वेटिव बादलों की फ्रेंज है। ये वायु के संचलन में परिवर्तन होने के कारण वायु की अस्थिरता के कारण उत्पन्न होते हैं। मुख्य क्लाउड मास से दूर सीमित क्लाउड कवर की एक बेल्ट पाई जाती है। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, दुनिया भर में दबाव और हवा की आवाजाही की असमानता के चक्रवात का स्तर नीचे है। वे विभिन्न अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच हीट एक्सचेंज की जटिल प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चक्रवात का असर विशेष रूप से मध्य अक्षांश क्षेत्रों में महासागरों से नम हवा को उठाकर उसे आसपास के भूमाफियाओं में ले जाने के कारण वर्षा की घटना पर होता है। चक्रवाती हवा की चाल उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त विरोधी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। चक्रवात को अक्सर दो चक्रवातों के बीच एक एंटी साइक्लोन की स्थिति की विशेषता होती है। मूल और प्रमुख पटरियों के अपने क्षेत्र के आधार पर चक्रवात या तो उष्णकटिबंधीय या फिर समशीतोष्ण या फिर अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय हो सकते हैं। तो ये था आपका अम्फान चक्र पर आधारित आर्टिकल, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है आपको, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन्हें याद रखिए, ठीक है।